खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और न्यूज 8/7 में इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लखनऊ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, मुरादाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के कई इलाके, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें। हालांकि अभी एपिसेंटर क्या है इस भूकंप का, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अपडेट और बड़ी खबर इस समय की यही है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रणबीर हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। रणबीर, क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, लखनऊ में भी अब से कुछ मिनट पहले लोगों ने हल्के झटके महसूस किए। हालांकि झटके बहुत ज्यादा तेज नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों ने महसूस किया है और किसी तरह की लोगों में घबराहट जैसा नहीं है, क्योंकि हल्के झटके थे और करीब 7 से 8 सेकंड तक ये झटके लोग बताया जा रहे हैं कि महसूस हुए हैं। ऐसे में घरों से निकलने जैसा जो गतिविधियां होती हैं भूकंप के वक्त, उस तरह की कोई गतिविधि नहीं है, लेकिन हाँ बहुत से लोगों ने महसूस किया है कि थोड़ा सा जहाँ पे वो थे वहां पर जमीन हिल गई थी। तो एनसीआर की तरफ था, हालांकि अभी हम अधिकारियों से बात करेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर तीव्रता कितनी थी और किस जगह इसका केंद्र था। लेकिन ये झटके उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में, चाहे वो मेरठ हो, मुरादाबाद हो या लखनऊ हो, हर जगह महसूस किए गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद रणबीर आपका इस पूरी जानकारी।